राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर फार्मर क्रॉप आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम जो कड़ी लेके आ रहे हैं इफको एमसी के सभी प्रोडक्टों के बारे में हम जानकारी देते हैं, उसके अंदर क्या डोज रखें, क्या उनके प्राइस हैं, प्राइवेट कंपनियों के प्रति उनके दूसरे कंपनी के प्रति उनकी इस कोऑपरेटिव कंपनी के क्या प्राइस हैं, क्या रिजल्ट रहते हैं और कौन से प्रोडक्ट किन चीज़ों में यूज होते हैं। तो बेसिकली हम आज प्रोडक्ट लेके हैं कोनाट्सू जो इफको एमसी का सबसे अभी लेटेस्ट प्रोडक्ट चल रहा है। ये थ्रिप्स और छोटी लट्टे माने में काम आ रहे हैं। ये कॉटन, अनार और जो भी प्याज है, ऐसी क्रॉप जिनमें थ्रिप्स अधिक हो रहा है उन क्रॉपों में इसका यूज़ किया जा रहा है। इसका रिजल्ट है जो एक महीने तक लंबा रिजल्ट, अगर बारिश नहीं हो रही है तो मौसम साफ है तो आपने एक बार ट्रीटमेंट कर दिया तो एक महीने लगातार इसका रिजल्ट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फार्मर खुद कह रहे हैं। वैसे तो इसका जो रिकमेंडेशन है कंपनी 21 दिनों का ही दे रही है, कहीं जगह 7 दिन का भी है, वो डिपेंड करता है मौसम पे। लेकिन मैंने जब फील्ड किए और फार्मरों से जाना कि इसका रिजल्ट, वो बोल रहे हैं एक महीना लगातार इसको नाट्स का रिजल्ट है, स्पिनोटम 11.7% का, एक महीना लगातार हमारे फील्ड में थ्रिप्स नहीं आते। और थ्रिप्स को आप जानते हैं कि अगर कोई भी फसल में थ्रिप्स आती है तो उसका क्या करता है थ्रिप्स, थ्रिप्स अपने जो दांतों के द्वारा अपने जगह जो भी स्तह है, फ्रूट की हो चाहे कोई भी वेजिटेबल की हो या कोई भी फसल के स्तह हैं, पत्ती सी लीव्स हो फ्रूट के हो, उनकी स्तह को खुरदरा करके वहाँ से रस चूसता है। रस चूसने के बाद में वहाँ पे उस जगह पे चमड़ी, फ्रूट की स्किन सूख जाती है, जिसके कारण फ्रूट का जो क्वालिटी है वो ख़राब होती है, एक्सपोर्ट करने में ख़राब होती है। प्लस ही अगर वो फसल में लिया गया थ्रिप्स है तो वो उन में उसकी क्वालिटी ख़राब कर देगा, प्लस में उनके फूल भी गिरा देगा, फूल डाउन करने में काम कर देगा। जैसे अभी लेटेस्ट अभी कुछ दिनों से मूंग में भी थ्रिप्स आ रहा है, मूंग में नहीं आना चाहिए थ्रिप्स, लेकिन मूंग में थ्रिप्स आ रहा है तो वो मूंग के अंदर उसके फूलों को गिरा रहा है, ये काम भी करता है थ्रिप्स, क्योंकि रस चूस रहा है उसका, रस चूसने के बाद उसके फूलों को गिरा देते हैं। तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है अभी प्रेजेंट टाइम में ये थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा मीटा भी यूज़ करते हैं कई फार्मर फिफ्रोनिल भी यूज़ करते हैं और बहुत से प्रोडक्ट है थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। थायरोटॉक्सम हुआ, ये भी काम करते हैं, ये प्रोडक्ट भी काम करते हैं मार्केट में। तो बेसिकली अपने तो कम से इसी नोटा पे कोनाट्सू पे बात करनी है ना, तो बात करते हैं। जो ये बेसिकली इसकी डोज है वो 3 लीटर पानी के अंदर 1 ml रहती है कोनाट्सू की, 3 लीटर पानी के अंदर 1 ml। और ये डिपेंड करता है उन एरियाज़ पे जहाँ पे इसकी डोज चेंज करवाते हैं फार्मर्स ने। क्यों करवाते हैं, क्योंकि एक तो क्लाइमेट का मोस्ट मेन योगदान रहता है, अपने कोई भी केमिकल कर लो उसमें क्लाइमेट का सबसे बड़ा योगदान रहता है। दूसरा क्रॉप, कौन सी क्रॉप है जो अधिक अट्रैक्टिव होती है इंसेक्ट के लिए, या उन पर डिपेंडेंस करता है कि, तो वहाँ पर हम ये डोज चेंज करवाते हैं इसकी, जो भी है कोनाट्सू की इसकी डोज चेंज करवा देते हैं। और अभी प्राइस की बात करते हैं, इसका प्राइस अभी लेटेस्ट ये तो सबसे बहुत कम रेट में मिल रहा है आपको, 1200 रुपये में 100 ml। प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो यही समथिंग आपको 1800-1900 रुपये में 100 ml मिल रहा है। इफको एमसी का प्रोडक्ट में आप देखो डिफरेंस देखो, पहले 1200 रुपये में 100 ml कोनाट्सू, और प्राइवेट कंपनी में डेलीगेट है, टाटा स्मिथ है, ये कितने मिल रहे हैं प्रॉपरली पूरा, कितने मिल रहे हैं 1800-1900 रुपये में, 1500 रुपये में, कितना डिफरेंस आ गया आप कैलकुलेट करें, 400 रुपये का डिफरेंस आ गया पर बोतल के पीछे, पर बोतल में 400 रुपये का डिफरेंस। ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि क्या हुआ कि ये कोऑपरेटिव है, ये किसानों के लिए हमेशा ही मदद करती आई है, किसानों को वो चीज़ें प्रोवाइड कराती है जो उनके लिए बेस्ट रही है, उन्हें क्या चाहिए वो जानती है अच्छे तरीके से कंपनी अपने लेवल बेस पे। तो मैं ज़्यादा वो डीपली नहीं बात करने वाला क्या कुछ करना चाहिए। तो मैं तो इसका कंपैरिजन कर रहा था कि अगर आप खरीद रहे हो ना स्पिनोड्रम तो 11.8% ही खरीदिए। तो बेसिकली इफका एमसी है दुर्घटना बीमा भी देती है, आपको पता होगा ये सबसे बड़ा, ये अपने जो भी बैनर लगाती है उस पर आपने देखा होगा दुर्घटना बीमा फ्री, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा फ्री, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, यूरिया ले लो, DAP ले लो, इनका NPK ले लो या कोई भी केमिकल ले लो इनका, ये दुर्घटना बीमा फ्री देते हैं, कंपनी प्रोवाइड कराती है किसानों को। जहाँ पे फार्मर के कुछ अगर कर रहे हैं तो उनके कोई जो भी समस्या हो रही है उनसे निपटने के लिए फार्मर को अच्छा स्पोर्टिंग मिल सके। ये फार्मर की दुर्घटना हो जाती है तो उसके पीछे फैमिली है तो उसका अच्छे से
जीर्ण रिवाज को ऐसा कर सकते हैं कंपनी। और अच्छे से अभी ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए ही कंपनी लिख लेती है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं है ये कंपनी, प्रॉपर किसान को प्रोवाइड करवाती है वो चीज़ें सभी, उसको बीमा भी प्रोवाइड करवाती है, फेक नहीं है, रियल नहीं है। तो ये तो हमने इसकी बात की थी डोज की, रेट की, अभी इसके लिए यूज़ किस में आता है, यूज़ अभी बात करते हैं। अनार, अनार का नाम सुना हुआ आपने, अनार का देखिए मैं पैकिंग दिखा देता हूँ अच्छे से, दिख नहीं रहा है, कैमरा क्वालिटी भी ऐसी है, क्या करें। तो आपने बात किस पे कर रहे थे अभी, क्रॉप कॉटन में यूज़ करते हैं इसको, कॉटन के अलावा इसको यूज़ करते हैं अनार में, प्याज में, जिनमें भी थ्रिप्स आता है, अभी नॉर्मली बेसिकली बहुत सी चीज़ों में थ्रिप्स आता है, उनमें अच्छे से यूज कर सकते हैं, कोई शिक बात नहीं है। प्लस में ये देखिए क्या है इसकी, ये देखिए क्या आपको क्या दिख रहा है, ये निशान सिंबल्स, ये हनीबीज को नहीं मारता, हनीबी को कंट्रोल बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है ये। थ्रिप्स अगर आप थ्रिप्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट भी है मेरे आइडिया से तो अभी तक मार्केट में, इसके अलावा कोई है नहीं स्पिनोट्रम के अलावा। रिफ का कोकोनट सूप रेट में देखें तो रिफ का कोकोनट सूप और थ्रिप्स के हिसाब से देखें तो स्पिनोट्रम 11.7% ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा मार्केट के अंदर। तो आपके जो भी कमेंट्स है हमें कमेंट किया करें, हमें पता लगे कि आपको क्या चाहिए, कौन से प्रोडक्ट। हाँ रही बात ये हमें बताने की, इसको कोई भी फंजीसाइड फर्टिलाइजर के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं इजीली, इसका कोई नुकसान नहीं है, आराम से यूज़ कीजिए इसे। और इसका फोलियर एप्लीकेशन ही होता है, ये नहीं है कि ये ड्रिप में लगा दिया और किसी में पाइल वो कुएं वाले के इसमें करते हैं पाइपों में, फॉरे वाली पाइपों में लगा दिया, ऐसा नहीं करना, इसका फोलियर एप्लीकेशन ही बेस्ट रिजल्ट देता है ना, ये आप ध्यान रखें। तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसके अलावा जो भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। हमने अभी हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर हम नहीं प्रोवाइड करवा सकते क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप फ़ोन करके हमें जानकारी ले सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में हम ऐसा क्रिएट कर लें हमारा ऑफिस टाइप पूरा कम्प्लीटली, जिससे हम आप हमें फ़ोन करके फिर एडवाइस भी देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कुछ नहीं हम लेते, आपके लिए किसानों के लिए बेस्ट है। हम मैं खुद अभी इफ्को एम सी से हूँ करियर तुम्हारे इसमें, तो आपके लिए ये जो प्राइस का है ना प्राइस वो सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, चल ठीक है। और इसके बारे में और कोई चर्चा करनी हो तो आप हमें कमेंट कीजिए ना, ठीक है, धन्यवाद सर।